मूवी की शुरुआत में हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलिसा है। वह एक खूबसूरत और शाई टाइप की लड़की है। वह अपनी माँ डारिया और दादी माँ एल्विरा के साथ रहती है। एल्विरा को सिगरेट्स पीने का बुरी आदत है और वह काफी समय से बीमार भी है। और मेलिसा अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन वह अपनी दादी माँ को ज्यादा पसंद करती है। आज मेलिसा बहुत खुश है क्योंकि आज डेनियल नाम के एक लड़के ने मेलिसा को अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। डेनियल स्कूल में सबसे पॉपुलर और अमीर लड़का है और मेलिसा को उन पर काफी समय से क्रश है। अगले सीन में हम देखते हैं मेलिसा अपने एक दोस्त के साथ उस पार्टी में आती है, लेकिन वह डेनियल से बात करने की हिम्मत नहीं करती। ऐसे ही पार्टी चल रहा होता है तब पार्टी में एक लड़के ने मेलिसा को पानी में धकेल देता है, लेकिन मेलिसा को तैरना नहीं आती है तो वह डूबने लगती है। तब ये देखकर डेनियल ने पानी में कूदकर मेलिसा को पानी से बाहर लेकर आता है। बाद में डेनियल ने मेलिसा को अपने बैकयार्ड ले जाता है जहाँ से समुद्र दिख रहा था, और डेनियल ने मेलिसा से बात करना शुरू करता है और उसके परिवार के बारे में पूछता है। तो मेलिसा बताती है कि उनके पिता एक इंजीनियर हैं और वो हमेशा देश के बाहर रहते हैं, लेकिन ऐसा बात करते हुए डेनियल को पता चलता है कि वह उनसे पसंद करती है। तो डेनियल ने इसका फायदा उठाता है और वह वहाँ मेलिसा के साथ संबंध बनाता है, और उसका काम होने के बाद वह उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है, लेकिन मेलिसा को ये बहुत बुरा लगती है। उस दिन के बाद कई महीने बीत जाते हैं और डेनियल ने कभी भी मेलिसा को कॉल नहीं करता, और उस इंटिमेट होने के बाद वह कभी भी मेलिसा से बात करने की कोशिश भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मेलिसा डेनियल के प्यार में पागल हो रही थी। तब पता चलता है कि कुछ दिनों में स्कूल रीओपन होने वाला है, और यहाँ भी मेलिसा डेनियल का इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद मेलिसा अपनी दोस्त मैनुएला के साथ एक बार में जाती है जहाँ डेनियल भी अपने दोस्तों के साथ आए थे। तब डेनियल मेलिसा को देखकर पहचानता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, लेकिन मेलिसा डेनियल से देखना पसंद करती है। इसके बाद डेनियल मेलिसा को अपने घर ले जाता है और वहाँ उसके साथ सेड्यूस करने लगता है। फिर वहाँ दोनों दूसरी बार इंटीमेट होते हैं। इसी बीच मेलिसा डेनियल से कहती है कि वह उससे प्यार कर रही है, लेकिन ये सुनकर डेनियल ने मेलिसा का मजाक उड़ाता है और उनके प्यार को रिजेक्ट भी करता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब ये दूसरी बार था जब डेनियल ने मेलिसा को इंसल्ट करता है, तो मेलिसा डिसाइड करती है कि वो एक मासूम लड़की बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह भी डेनियल की तरह बनना है और अपनी खुशी के लिए किसी को भी परवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ मेलिसा के पेरेंट्स ने एल्विरा को नर्सिंग होम में एडमिट करने की डिसाइड करते हैं क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन अभी और खराब है, लेकिन ये मेलिसा को पसंद नहीं है क्योंकि मेलिसा उनकी दादी माँ को बहुत पसंद करती है। बाद में डारिया और मेलिसा एल्विरा को नर्सिंग होम छोड़ने जाते हैं और दोनों उसे वहीं एडमिट करके घर लौट आते हैं, और डारिया मेलिसा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेलिसा उससे बात नहीं करना चाहती है। अगले दिन से मेलिसा ने खुद को बदलने की डिसाइड करती है। बाद में वह मैनुएला के साथ ही कैफे में जाती है और दूर बैठे एक लड़के को कुछ इशारा करती है। ऐसा वह लंबे समय तक करती है, और जब वह आदमी मेलिसा से बात करने के लिए उसके पास आता है तो मेलिसा वहां से उठकर बाहर चली जाती है। दरअसल वह ऐसा करके मैनुएला को दिखाना चाहती थी कि वह कितनी बदल गई है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस पर एल्विरा घर लौट आती है। वह मेलिसा को देखकर समझती है कि मेलिसा की लाइफ में कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और वह चुपके से डारिया को इसके बारे में बताती है, लेकिन डारिया कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और एक दिन मेलिसा को डेनियल का फोन आता है। वह उसे बताता है कि वह उसे एक सरप्राइज देना चाहता है, और वह मेलिसा को अपने घर में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन डेनियल के साथ इतना इंसल्ट होने के बावजूद मेलिसा उसके घर जाती है। वहां डेनियल ने मेलिसा को सेड्यूस करना शुरू करता है और उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, और इसके बाद डेनियल का एक दोस्त कमरे में आता है और वह मेलिसा को किस करना लगता है। दरअसल ये दोनों मेलिसा के साथ इंटीमेट होना चाहते थे। फिर जब मेलिसा को इसके बारे में पता चलता है, फिर वह वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर ये दिखाने के लिए कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, वह वापस आती है और उन दोनों के साथ घपाघप करती है। बाद में हम देखते हैं कि मेलिसा की भी एक डायरी है जिसमें वह अपने साथ हुई हर घटना को लिखती थी। जब मैनुएला को मेलिसा की हरकतों के बारे में पता चलता है, फिर वह मेलिसा को समझाने की कोशिश करती है,
कि उसे यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मेलिसा उसकी बात नहीं सुनती। और अगले दिन मेलिसा स्कूटर पर एक म्यूजियम जाती है और वहाँ एक आदमी आता है और मेलिसा के पास बैठता है और मेलिसा उनके साथ भी खपा खप करती है। एक दिन मेलिसा की डायरी उसके एक क्लासमेट ने पकड़ती है और वह इसे पूरी क्लास के सामने पढ़ती है, जिससे मेलिसा के सारे डार्क सीक्रेट सभी को पता हो जाती है। और मेलिसा ने इस डायरी में अपने घपा घप करने के बारे में भी लिखी होती है। अब पूरी क्लास को इसके बारे में पता चल जाता है। फिर मेलिसा गुस्से में अपनी डायरी निकाल लेती है और वह इसके लिए मैनुएला को दोषी ठहराती है। मेलिसा ने मैनुएला के लिए डायरी में गलत बातें लिखी थी, जिसके बारे में मैनुएला को बुरा लगती है, और मेलिसा ने उससे अपनी दोस्ती तोड़ देती है। इसके बाद मेलिसा ने सबको दिखा दिया कि वह पूरी तरह से बदल चुकी है, छोटे कपड़े पहनने लगती है। अगले दिन मैनुएला उससे मिलने आती है, लेकिन मेलिसा उससे बात नहीं करती। मेलिसा की क्लास में मार्को नाम का एक लड़का भी था और वह मेलिसा को पसंद करते थे, लेकिन वह आज तक मेलिसा से बात भी नहीं कर पाए थे। आज वह मेलिसा के साथ जाने की हिम्मत करता है, लेकिन तभी मेलिसा को डेनियल का फोन आता है। थोड़ी देर के बाद डेनियल का दोस्त अर्नाल्डो मेलिसा से मिलने आता है और उसे बताता है कि आज वो सरप्राइज देने जा रहा है। फिर वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। हम तहखाने में देखते हैं कि वहाँ अर्नाल्डो के अलावा चार और लड़के मौजूद हैं। और फिर जब मेलिसा उन्हें देखती है, तब वह सब कुछ समझती है और फिर सबके साथ वहाँ से निकली। अब अगले दिन ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कैसा लड़की है ये। फिर मेलिसा एक डेटिंग साइट पर अपना अकाउंट भी बना लेती है। वहाँ वह कई अनजान लड़कों से चैट करती है। मेलिसा को इस साइट पर ऐसा आदमी मिलता है जिससे मेलिसा खूब बातें करने लगती हैं। फिर ये शख्स मेलिसा को इंटिमेट होने के लिए अपने होटल में बुलाता है और मेलिसा तैयार होकर उस होटल के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद दारिया घर आती है तो उसे नर्सिंग होम से फोन आता है और उसे ये बताया गया है उस दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसे देखने के लिए जल्दी आना चाहिए। ये सुनने के बाद दारिया मेलिसा को ढूंढते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन मेलिसा वहाँ नहीं थी। दारिया मेलिसा के कमरे में अपनी डायरी ढूंढती है और वह उसे नर्सिंग होम ले जाती है। वहाँ वह डायरी गिरने लगती है और दारिया को अपनी बेटी के सारे राज पता चल जाते हैं और ये सब जानकर दारिया को बहुत दर्द होता है। इसी बीच एक आदमी आता है और दारिया को बताता है कि दादी माँ मर गई है और फिर ये जानकर दारिया वहाँ पर खूब रोने लगती है। दूसरी ओर मेलिसा अपने होटल में अनजान आदमी के पास पहुँचती है जहाँ उसके लिए कुछ कपड़े रखे हुए थे। कुछ देर बाद वह आदमी भी वहाँ आता है। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वह मेलिसा सभी ड्रेसेस का मिश्रण पहन रही है। इसके बाद वह बंदा मेलिसा को बताता है दरअसल ये उस आदमी की फैंटेसी थी जिसे वह मेलिसा के साथ पूरा करना चाहता था, कि उसने उसे एक शिकारी से पीटा। फिर मेलिसा वही करती है, लेकिन फिर वह आदमी ने मेलिसा को बहुत जोर से मारना शुरू करता है। ये मेलिसा को बुरी तरह डराता है। तब वह किसी तरह उस होटल से भाग निकलती है। तब वह घर आती है जहां उनकी माँ डारिया अपने बेडरूम में बैठी थी। तब डारिया ने मेलिसा को दादी माँ की मौत के बारे में बताती है। ये सुनकर मेलिसा रोने लगती है। उसके कपड़े देखकर डारिया समझ गई कि वह कहां से आ रही है। कुछ देर बाद डारिया अपनी डायरी दिखाकर मेलिसा से पूछती है कि इसने जो कुछ भी लिखा है क्या वह सच है या सिर्फ आपकी कल्पना है। मेलिसा कहती है कि जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये सुनने के बाद दोनों वही रोने लगते हैं और डारिया ने मेलिसा से माफी मांगी कि उन्हें मेलिसा की बेहतर देखभाल करनी चाहिए थी और आज से वो अपनी माँ से हर बात शेयर कर सकती है। और कुछ समय बीत जाता है और मेलिसा अपने असली रूप में लौट आती है। आज उनके स्कूल का आखिरी दिन था और वह स्कूल जाने से पहले मैनुएला के घर जाती है, लेकिन वहाँ मेलिसा ने मैनुएला के साथ फिर से दोस्ती की। फिर दोनों साथ में स्कूल के लिए निकलते हैं। यहाँ अर्नाल्डो और डेनियल स्कूल में एक बहस में पड़ गए, क्योंकि अर्नाल्डो को पता चल गया था कि डेनियल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है और गुस्से में उन्होंने डेनियल को थप्पड़ तक मार दिया। मेलिसा और मैनुएला भी पास से गुजर रहे थे। मेलिसा को देखने के बाद डेनियल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा उसकी एक नहीं सुनती है और मेलिसा रिजल्ट चेक करने जाती है और वह पता लगा लेता है वह मार्को उसकी क्लासमेट फेल हो गया है और वह यहाँ भी आता है और मेलिसा को अपनी फीलिंग के बारे में सब कुछ बता देता है।
वह उसे ये भी बताता है कि वह इस स्कूल को छोड़कर आर्ट स्कूल में शामिल होने वाले हैं। वह मलिसा को पसंद करता है और मलिसा के कुछ स्केच भी उन्होंने ही बनाए हैं। इसके बाद वह मलिसा को अपनी नोटबुक में बनाए गए सभी रेखाचित्र दिखाता है, जिसे देखकर मलिसा को काफी अच्छा लगती है। वह मलिसा को पोछ देने के लिए कहता है, क्योंकि जाने से पहले अपना आखिरी स्केच बनाना चाहता था। स्केच बनने के बाद मलिसा ने उसे गले लगाती है और फिर माँ को भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डेनियल मलिसा के पास आते हैं और उसे बताता है कि आज उनके घर एक शानदार पार्टी का आयोजन होने जा रहा है और वह उसे इस पार्टी में आमंत्रित करता है। मलिसा शुरू में डेनियल को मना कर देती है, लेकिन बाद में जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर उसी शाम मलिसा मैनुएला के साथ उस पार्टी में जाती है। वह उसे पार्टी में देखती है। डेनियल और उसके दोस्त नशे में हैं। फिर थोड़ी देर बाद मलिसा बैकयार्ड में चली जाती है और समुद्र में कूद जाती है। सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वह कूद जाती है। थोड़ी देर बाद वह पानी के ऊपर आती है और फिर तैरना शुरू कर देती है, और ऐसा करने में वह काफी खुश नजर आ रही थी। अब हमें एक सीन काफी समय बाद दिखाया गया है। यहाँ हम मलिसा को उसकी माँ के साथ देखते हैं, जो दादी माँ की कब्र के पास जा रहे थे। फिर दोनों कब्र के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ फूल रख देते हैं, और फिर डारिया ने मलिसा को गले लगाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और ये फिल्म यही एंड होती है।